सो गाइज हमें मटेरियल मिल गया है यहाँ पे सेम चीज इसको थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ रहा है। सो गाइज ये है वो स्पेशल इंसान। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हरी व्लॉग में मुझे आदत ही हो गई है ये चीज बोलने की मुझे लगता है, लेकिन एक्चुअल में आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाइज जैसे कि आपको पता है दिवाली आ रही है, तो दिवाली की बहुत सारी प्रिपेरेशंस करना है। दिवाली मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे बहुत मजा आती है। बचपन से मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती है दिवाली की, मतलब मुझे बहुत पसंद ही है वो फेस्टिवल। सब लाइट्स, लाइटिंग, जो घर घर पूरा रौनक रहती है, घर में पूरी रौनक रहती है। वैसे तो टचवुड हर फेस्टिवल में घर में रौनक रहती है, लेकिन दिवाली की बात ही अलग है गाइज। तो यस, तो आज दिवाली की क्या प्रिपेरेशंस हो रही है घर पे वो मैं आपको बताती हूँ। चलो एंड गाइज मुझे इतना गंदा पिंपल आया है यहाँ पे, मुझे इतना पेन हो रहा था लिटरली, अभी वो बर्स्ट हो गया, उसमें पूरा पस भर गया था, बट वो बर्स्ट हो गया है। तो मैंने उसको बस वॉश किया है, तो थोड़ा टाइम उसको ऐसे ही रखते हैं, फिर कुछ क्रीम लगाऊंगी मैं। तो यस, तो अभी चलो फटफट मम्मी लोग क्या कर रहे हैं आप लोग को बताती हूँ। मम्मी, भाभी और मेरी एक काकी है, वो लोग सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी मदद कर दूँ एक करंजी बना के, तो अभी मैं बना रही हूँ। क्या करने का सबसे पहले? पहले आपको ये ऐसा रोटी बेलना पड़ेगा, जो भी आटा रहेगा उसका ऐसे बेलो। फिर उसके बाद ये जो मीठा बनाए है उसको स्वाद अनुसार डालो। एक साइड बीच में डालू ना, तो एक साइड वो मैं बीच में डाल, जरा आराम से डाल, ऐसे पूरा पहला ऐसे मस्त मैं ऐसे डाल। छोटा बनाने का, मेरे को क्यूट ये बड़ा है, बस ये बस खा रही है क्या? बस बस बना भी देखा अभी क्या तेल लगा साइड बीच बीच में, अरे वो तेल ने पानी है तेल के बाद ही बना। किधर लगाने का तेल? कॉर्नर में, पूरा कॉर्नर इधर इधर दो साइड में लगा। इस ऐसे साइड में इसके तेल लगाया जाता है। यू मेरे तेल आ ही नहीं रहा मेरे हाथ में, ऐसा। अभी इसको लेना है ऐसा और इसको करना है ऐसा फोल्ड, ताकि ये मून बन जाए। क्या बन जाए सारा? यस, वेरी गुड। फिर इसको ऐसा दबाना है साइड साइड से, अच्छे से दबाओ ताकि ये बाद में निकले ना। अच्छी से थोड़ा ले ऐसा दबा के, अभी काटू इसमें करती हूँ, मेरे को इसमें मजा आएगी। नहीं, 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 अभी नहीं कर सकती हो, पहले भरने के पहले करने का रहता है। फिर गाइस इसको हमें करना है काट। अरे चल रहा क्यों नहीं आगे? नहीं हल्लो लुपाटा है सब थोड़ा थोड़ा, तो इस हो रहा ये तो एकदम स्मूथ ऐसा कटना चाहिए ना। नहीं तो कर रही हूँ, हो गया। वाह मम्मा ऐसी तू बनाई, अच्छा और मजा नाव लियो आज। तो गाइस एक मैंने बना दी हूँ, ये आप साइज शेप देख के कोई भी बोल ही सकता है कि ये मैंने बनाई हूँ। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, अरे इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और ये वाला भी गाइस मैंने बनाई हूँ। सो गाइस ये बहुत स्मूथ घूमना चाहिए, बट ये शायद अटक रहा है, ये घूम रहा नहीं है। तो अभी हम लोग दूसरा वाला कट करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ रहा है। तो इसको ऐसे कट करके इसको करना पड़ता है फ्राई वहाँ पे। हम लोग ने सब पूरा गार्डन में किचन बना दिए, और ये हो गया कट। सी देखो बन गया है एक और, या बोल गया ऐसे दाग को साइड से ऐसा दबा। देखो गाइस ये गलती आप मत करना जो मैंने कर ली, इसको ऐसा दबाना पड़ता है साइड। तो ऐसे बनाते हैं करंजी, मैंने बहुत हेल्प कर ली, अब मैं जाती हूँ बाहर।
तो गाइज यहाँ पे देखो हमारी करंजी जो फ्राई हो गई है वो है, और यहाँ पे सब सामान है। यहाँ पे हम लोग ने कढ़ाई रखे है, सब कुछ हम लोग मतलब किचन बना दिए है गार्डन में। यहाँ पे ये भी एक होता है इजी टूल जिससे आप बना सकते हो करंजी। ये आ गई है डिस्टर्ब करने के लिए हमें। सो गाइज अभी सारा भी आ गई है हेल्प करने के लिए। मम्मा हेल्प करेगी, हेल्प करने की काम बढ़ाने दोनों करने के लिए। और वो बहुत ही बुरी हालत में आई है क्योंकि वो खेल के आई है अभी, और वो अभी सदमे में चले गई है कि मेरी अत्तू क्या कर रही है। मम्मा स्काई में क्या रहता है? व्हाट खा जाओ, चुको खा जाओ, प्लीज 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 प्लीज। बाल की हालत देखो, खा जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। गाइस फाइनली मैं रेडी होकर आ गई हूँ अरसू से मिलने, और एज यूजुअल गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है अरसू की आदत ही हो गई है मुझे कॉपी करने की, क्योंकि मैंने ब्लैक पहनी हूँ तो ये बंदा ने भी ब्लैक पहनकर आ गया। एज यूजुअल से कॉपी कर लिया, सीधा मुंह बनाओ, ज्यादा इतराओ मत। व्हाई डिड यू कॉपी मी? कोइंसिडेंट, हर बार कोइंसिडेंट नहीं होता है गाइस। मेरी आदत है कि जब भी मैं घर से उतरती हूँ तो फिर मैं सबको मिरर सेल्फी भेजती हूँ स्ट्रीक्स में। मस्ती कर रही यार। तो गाइस अभी हम लोग किया तो कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नागपाड़ा, और नागपाड़ा हम लोग जा रहे हैं एक मटेरियल लेने के लिए, और वो मटेरियल क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों को गेस करना है कि मैं कौन सा, मैं बता ही देती हूँ, मैं लुक क्रिएशन करने जा रही हूँ तो मैं आपको मटेरियल बताऊंगी और आपको गेस करना है कि कौन सा लुक है। वो अरसू इशारा कर रहा है पीछे से, आपको पता चल जाएगा लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि क्या इशारा है वो। सो गाइज इट इज माई ड्रीम, चलो गाइज बाय। सो गाइज हमें मटेरियल मिल गया है यहाँ पे सेम कलर का जो कलर का मुझे चाहिए था। अभी हम लोग इसके ऊपर और भी हमें कुछ नेट का चाहिए अरसू, वो मिलना बहुत मुश्किल है, दैट इज रोडीज का टास्क, सो वी हैव टू डू दैट। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे मटेरियल है यार, मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यार। गाइज अभी हम लोग ने जो ब्लाउज और वो रहता है वो ले लिया, अब दुपट्टा लेने आए हम लोग, और दुपट्टा भी हम लोग को मिल गया है टच वुड बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है तो आप लोगों को मिल सकता है यहाँ पे सब कुछ। तो अभी हम लोग वो लेते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर लेस लेने आए हैं, और हम लोग ने डिसाइड की ये वाली लेस लेंगे हम लोग, और हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, मैं आपको बताती हूँ आगे जाके क्या स्कैम हुआ। तो गाइज अभी मैं सारा को लेकर जा रही हूँ कैट दिखाने के लिए, क्योंकि उसको कैट देखना और उसकी जिद थी कि उसको ऐसे ही जाना है मेरे साथ, मतलब कांदा बटाटा जैसे हम लोग बोलते हैं इसको, तो उसको ऐसे ही जाना। मम्मा कांदा बटाटा बोल, बटाटा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग की बिल्डिंग में नीचे कैट रहती है तो उसको कैट देखना है तो कैट दिखाने लेकर जाती है। और आज हम लोग ने ट्विनिंग की है गाइज, ट्विनिंग किसी से जल्दी अतुला। यहाँ पे हमें कैट मिल गई है सारा को, जाना अभी जा कैट के पास, गो गो कैट लवर गो। मेरे को भी बोल रही है चलने के लिए, जा ना तू मिल के आ कैट को, हाय बोल, हाय कैट। नहीं 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 नहीं, अत्तू को डर लगता है भाई, क्यूरी गाइस शी इज अ कैट लवर। अब ये जाएगी कैट को मिलने। मम्मा डेयरिंग है भाई, मम्मा नहीं 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 सारा नहीं। मैं ही डरा रही उसको, अरे इन लोग का फेस टू फेस क्या अभी कुछ होने वाला है क्या? ओए ए सीरियस कॉन्वर्सेशन बात क्या कही गाइस। इसकी जिद में मैं आ तो गई इसको कैट दिखाने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा डर मुझे लग रहा था, स्टैंड अप, इससे ज्यादा डर मुझे लगता है कैट से। मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितना डर लगता है कैट से, बट बस महारानी की जिद थी तो हम आ गए, वरना मैं घर नहीं आती। और हम लोग ने ट्विनिंग किए गाइस, ट्विनिंग किसी। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोली थी प्रीवियस व्लॉग में कि मैं आप लोग को मिलाने वाली हूँ कोई स्पेशल से, मैंने आप लोग को बोली थी कि कोई स्पेशल आया है तो मैं आप लोग को बताती हूँ वो कौन है। सो गाइस ये है वो स्पेशल इंसान, तो ये है, अरे डर रही क्यों है, डर रही क्यों है। सो गाइस मैं आपको बता
ये चुप रहे क्यों है मट्टा मार क्यों क्या हुआ किसने तो कह गाइस ये मेरी बड़ी मम्मी है मेरी जो मम्मी है उनकी रियल सिस्टर है ये और उनके लिए ये सब बहुत नया है उनको पता नहीं है ये सब के बारे में मतलब क्या होता है व्लॉगिंग एंड ऑल तो वो एकदम शॉक हो गए और वो मुझे एकदम सदमे में देख रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ तो ये देखो उनको टेंशन आ रहा है अरे अरे मतलब जब मतलब गांव में सब जो लोग देखते हैं मतलब मेरे भाभी लोग या जो भी लोग देखते हैं भाई लोग तो उनने तभी देखे थे कि ये मैं कुछ तो वीडियो वीडियो बनाती हूँ तो वो बहुत साल बाद आए हैं मम्मी से मिलने के लिए और यहाँ पे मम्मी उनका रिएक्शन देख के हंस रहे अरे अलग ही चाल रहे मम्मी को देखो और उनकी बहन को देखो कितना शर्मा रही अरे ये क्या था ये क्या था ये क्या था और यहाँ पे सारा मजे ले लिए सबको देख के तो गाइज ये है मेरी मम्मी की रियल सिस्टर शायद मैंने बहुत पहले आपको व्लॉग में भी बताया था वो ये रहते हैं तेलंगाना में तो अभी वो आए हैं यहाँ पे कुछ काम से तो इसके लिए मैं आप लोग से मिलाना चाहती थी उनको और उनके हस्बैंड भी है मतलब मेरे बड़े पापा लेकिन वो बाहर बैठे वो खाना खा रहे हैं और वो पापा के सामने तो मैं रिस्क नहीं उठाना चाहूंगी वहां पे जाके व्लॉग बनाने का जब वो पापा जब अंदर चले आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ। हाँ वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते हैं हॉरर एक स्टोरी अगर वो मतलब फ्री हुए डैडी से बात करेंगे तो मैं आप लोगों को उनको बोलूंगी एक स्टोरी भी सुनाने। अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए तो सोने के पहले मैंने आज से ये स्टार्ट किया है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रिजल्ट एक्चुअल में शेयर करूँ क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने इसमें लिया है राइस वाटर तो मैं इसको 7 डेज तक लगाऊंगी आपके सामने रोज रात को सोने से पहले और देखते हैं इसका क्या आउटकम निकलता है। गले पे भी मार लेती हूँ में पिगमेंटेशन हमेशा होती है टैनिंग माथे पे ये वो तो लेट्स सी कि हमें कुछ फर्क पड़ता है या नहीं इससे। तो आज डे वन है तो इसको ऐसे ही रखेंगे पोछेंगे नहीं ये अपने आप सूख जाएगा तो डे वन तो लेट्स सी क्या होगा रिजल्ट। 7 दिन तक हम 7 डेज चैलेंज करेंगे ये। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।